जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में जिसका नाम है रीत नॉलेज टीवी। दोस्तों हम सभी ये बात जानते हैं कि भारत एक त्योहारों का देश है और जो ये मौसम चल रहा है ये भी त्योहारों का ही मौसम है। तो आज के इस वीडियो में हम एक त्योहार की ही बात करेंगे जिसका नाम है दशहरा। दशहरे को दोस्तों अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों रावण दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर हम दशहरे का त्यौहार पूरे जोश के साथ मनाते हैं। दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाने की परंपरा से तो आप सब वाकिफ ही हैं, पर भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां दशहरा मनाने की परंपरा बिल्कुल अलग है। जैसे कहीं पुतला बनाया तो जाता है पर जलाया नहीं जाता, तो कहीं पुतला बनाया ही नहीं जाता, तो और कई ऐसी जगह हैं जहां रावण को दशहरे के दिन जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है। तो आइए आपको भारत में दशहरे के अजब गजब रंगों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे मुंगेली के रावण की। दसवीं के दिन आपने रावण के पुतले को जलता तो देखा ही होगा, पर अगर आप छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में दशहरा मना रहे हैं तो यहाँ आपको रावण जलता नहीं बल्कि पिटता दिखेगा। यहाँ मिट्टी का रावण का पुतला बनाकर उसे पीट पीट कर नष्ट किया जाता है। इस परंपरा के पीछे यहाँ के लोगों का तर्क ये है कि अहंकार को पीट पीट कर ही नष्ट किया जाता है। दरअसल मुंगेली के मालगुजार गोवर्धन परिवार के पूर्वजों के द्वारा कई सालों से मिट्टी के रावण को पीट पीट कर विजयदशमी मनाने की परंपरा रही है और आज भी मुंगेली में ये रिवाज जारी है। जब रावण को नष्ट कर देते हैं तो रावण की मिट्टी लोग अपने घर लाते हैं। मान्यता के अनुसार घर के पूजा स्थान, धान की कोठरी और घर की तिजोरी जैसे स्थानों में रावण की मिट्टी रखने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। तो वहीं दोस्तों देश में एक ऐसी जगह भी है जहां रावण की पूजा की जाती है, जहां देश भर में विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार की तरह मनाते हैं, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की महाराज के रूप में पूजा की जाती है। महिलाएं रावण की प्रतिमा के सामने से घूंघट लेकर निकलती हैं। माना जाता है कि ये शहर रावण का ससुराल है, तो भला ससुराल में जमाई राजा का स्वागत कैसे ना हो। अब राक्षस रावण आखिर कैसे मंदसौर के जमाई बने ये भी एक अलग ही कहानी है। बड़े ही ठाट बाट से जमाई राजा रावण की 31 फीट ऊंची प्रतिमा की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार मंदोदरी यहीं की बेटी थी और इसी कारण इस शहर का नाम मंदसौर पड़ा। तो इसी नाते रावण यहाँ के दामाद हुए, तो इसीलिए यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है ना कि उसे जलाया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की। पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ पर भी मिट्टी का रावण बनाया जाता है। मिट्टी के बने रावण की नाभि में रंग डालकर रामलीला के मंचन के बाद मिट्टी के रावण को वहीं नष्ट किया जाता है। लेकिन इस अनूठी परंपरा के पीछे तर्क जानकर आप कहेंगे कि दशहरा मनाओ तो ऐसे। रावण दहन में विस्फोट होने से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, साथ ही लकड़ियों का भी बहुत इस्तेमाल होता है जिससे जंगल के पेड़ों को लकड़ी के लिए काटना पड़ता है। इन सभी बिंदुओं पर विचार कर यहाँ के लोगों ने कई साल पहले ये फैसला किया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और वन संरक्षण करके यह दशहरा मनाएंगे, और तब से यहाँ इको फ्रेंडली दशहरा मनाने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां पर दशहरा दशहरे के एक दिन बाद मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बिंजली गांव में लगभग 50 सालों से दशहरे का त्यौहार दशहरे के एक दिन बाद मनाया जाता है, यानी रावण दहन दशहरे के एक दिन बाद किया जाता है जिसे देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ती है। तो दोस्तों ये थे दशहरे के कुछ रंग बिरंगे किस्से जो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताए। तो दोस्तों आप भी अपने अंदर के राम को जगाइए और रावण का वध कर दीजिए। जल्द मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।